ऑल राइट गाइस, आज मेरी हॉलिडे है तो मैं जाने वाली हूँ मूवी देखने, और उसके बाद मैं मम्मी को लेके डिनर पे जाऊंगी मोस्ट प्रोबेबली। मम्मी रेडी हुई क्या? मम्मा, हाँ बेटा, ओके। इतना टाइम मुझे मेकअप करने में भी नहीं लगा था। मम्मी बेचारे मेरे पापा। हाँ, अभी त्रिपाठी मैम कोई सॉन्ग सुनाइए ना। मम्मी आ रही है, मम्मी से पूछती हूँ, मम्मी को मेरा सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है, उसी पे बनाऊंगी रील्स। अरे उसी पे गाना गाऊंगी, वो ही गाऊंगी, मतलब उसी पे बनाऊंगी, उसी पे। शिट, मम्मा आओ ना, बहुत टाइम लगा रही है मम्मी यार। अच्छा हो मम्मी हीरोइन नहीं है, वरना मेरे डायरेक्टर लोग इनको फिल्म से निकाल देते अगर रेडी होने में इतना टाइम लगता तो। आरती तिवारी मैम, आप मैरिड हैं क्या? आपको लगता है कि मैं मैरिड हूं? मैं इतनी खुश दिख रही हूं आपको, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सिंगल हूं इसीलिए खुश हूं? गजब सवाल है भाई। आ गई, टन टन ड्रम रोल प्लीज। टिक 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 टिक, मम्मी आ चुकी है इतने सालों बाद। मम्मा पीछे सब कचरा दिखेगा, थोड़ा अंदर आओ यार, कैमरा ज्यादा नहीं घुमा सकती हूँ। ऐसे लेटे हुए आ गई मम्मी। अनारकली, हेलो, हाय बच्चों, हाउ आर यू? मेरी मम्मी का लाइफ पे डेब्यू। अच्छा हूं मैं, एक्टर नहीं हूं ना? हाँ, क्योंकि आप एक्टर होती तो सब डायरेक्टर लोग आपको फिल्म से निकाल देते, क्योंकि वेरी आपको गुड, तैयार होने में इतना टाइम लगता। आई एग्री। तो मम्मी ये लोग सब बोल रहे हैं कि मुझे गाना सुनाने के लिए बोल रहे, तो आप मुझे बताइए आपको कौन सा चाहिए कि मैं उनको गाना सुनाऊं। कोई बहुत पुराना मत बोलना, मेरे को याद ही नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से तुम्हारे सारे गाने बहुत अच्छे, तुम जो भी सुनाओगी वो बेहतर होगा, तो अभी कल मेरी फिल्म यूपी दिल्ली में रिलीज हो रही है, साजन। साजन का अभी अभी एक गाना आया है जो कि कल्पना जी ने गाया है, जिसमें मैंने और प्रवेश जी ने रील भी डाली है, वो वाला मैं सुनाती हूँ। एक तो ऊंचा खाल डगरिया, दूजे बाले मोरू मिरिया, इसे छुए ना कमरिया, मन हरक जाता जी। ए जी सुनी जी, सड़िया सरक जाता जी। वाह, बस इसके आगे नहीं गाऊंगी। मुझे लगता है कभी कल्पना जी अगर देख लेगी मुझे गाते हुए, अपना फोन वोन ना फेंक दे, वो बोले मेरा गाना क्यों खराब करती है ये। नहीं तुम भी अच्छा ही गाती हो, सब लोग बोल रहे हैं मम्मी को प्रणाम। मैं अच्छा गाती हूँ ना खुश मम्मा? रहो बच्चों, आई लव यू। हर कोई खुश रहो, राइट? जितनी मेरी बेटी खुश है उतनी तुम सब खुश रहो, और लड़के उतनी नहीं, उतना लड़के लोग खुश उतना रहो। तुम सब खुश रहो। ओके, प्रणाम माता जी, प्रणाम माता जी। सब लोग खुश प्रणाम रहो, बोल रहे खुश हैं, रहो, खुश खुश रहो खुश। मेरी तरफ से बच्चों, भी खुश रहो बच्चों, जीते रहो। इसीलिए पूछे थे शादी हो गई क्या। क्योंकि मैं मम्मा मतलब खुश रहो बच्चों बोल रही ना, तो इसलिए पूछ रहे हैं। ऑल राइट गाइस, तो मेरी मम्मी का डेब्यू हुआ है तो मैं उन्हें ज्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहती। शी इज अ बिजी शी इज अ वेरी बिजी एक्ट्रेस, वी कैन नॉट कीप हर वेटिंग, है ना। अभी थे रजनीश जी यहाँ पे हम लोग के लाइव में, उनसे पूछती मैं कि आपको कास्ट करेंगे कि नहीं, जितना टाइम आप रेडी होने में लगाई हो। मुझे कास्ट होना ही नहीं है तो फिर करेंगे। भाई पीछे मत देखो, मेरा सब सूटकेस और टॉवल और सब सूख रहा है। नहीं 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 रेडी मम्मा? बस अभी हम लोग भी निकलेंगे भाई, निकलना पड़ेगा। मम्मी प्लीज इनकी शादी कर दीजिए। कौन है ये, इसको ब्लॉक करना पड़ेगा, ये कौन है? आई एग्री, कोई अच्छा लड़का ढूंढो जो इसको झेल सके। झेल सके मतलब व्हाट, आई एम अ प्रोजेक्ट और व्हाट? हाँ सॉरी। हाँ सो गाइस, लेट्स कंटिन्यू ऑन सम यू नो नाइस टॉपिक्स। थैंक यू मम्मा, आई लव यू। या ऑन सम नाइस टॉपिक्स, ये शादी वाली बातों को छोड़ के। दीदी मुझे आपसे बात करना है, मैं आप ही लोग से तो बात कर रही हूं। क्यूटी मैम,
माही इज हियर, पूछ रही कैसी आप दीदी। मैं अच्छी हूँ माही, तुम कैसी हो। शशि कुमार सिंह बाय बाय। प्रदीप बोल रहा बहुत सारे अच्छे लड़के हैं। नहीं चाहिए प्रदीप, तुम अपना जो तुम्हारा एक्सपर्टीज है ना लोगों के रिश्ते कराने में अपने पास रखो, मेरी मम्मी को आइडियाज मत दो। इट्स रॉय, नमस्ते मैम, नमस्ते नमस्ते, हाउ आर यू।